फरीदाबाद सेक्टर 86 की स्लेज हैमर क्रिकेट एकेडमी में आज खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर फरीदाबाद के सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और उन्हें एकजुट होने का मौका भी दिया गया। ऐसा समारोह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहली बार आयोजित किया गया। इस अवसर पर फरीदाबाद जिले की शूटर श्वेता चौधरी को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मुकाम हासिल किया। शूटर श्वेता चौधरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कर चुकी हैं। भारतवर्ष को शूटिंग के क्षेत्र में पहचान दिलाने वाली श्वेता चौधरी की आज स्लेज हैमर क्रिकेट अकेडमी के ग्राउंड पर उपस्थिति रही। आइए आपको रूबरू कराते हैं नामी शूटर श्वेता चौधरी से। हम लोगों को यहाँ पे फेलिसिटेट करने के लिए बुलाया था, जितने भी अर्जुन अवार्डीज हैं, भीम अवार्डीज हैं, इंटरनेशनल मेडलिस्ट, नेशनल मेडलिस्ट, इवन जो स्टेट लेवल के प्लेयर्स हैं फरीदाबाद से, डीसी सर ने हमको यहाँ पे बुलाया है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज से पहले मुझे नहीं लगता कभी फरीदाबाद के सारे प्लेयर्स एक साथ मिले हों इस तरह से। वो अलग चीज़ है जैसे 26 जनवरी पे और उन सब पे हमें बुलाया जाता है, बट एक ये अलग से प्रोग्राम हुआ है, बहुत अच्छा लगा है। अभी आप क्या कर रही हैं और आगे लाइफ में और क्या एम रखा है? मेरे लाइफ का एक ही एम है, ओलंपिक्स में मेडल लेना और शूटर हूँ मैं, इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट हूँ। तो अभी फिलहाल तो ट्रेनिंग शुरू की है कुछ टाइम से, क्योंकि कोरोना की वजह से सब बंद हो रखा था। हमारा अभी वर्ल्ड कप आने वाला है 2021 में, उसकी तैयारी चल रही है और आने वाले 2022 के जो एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन की तैयारी है। आपको लग रहा है कि ये आप अचीवमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर पाऊंगी, तैयारी चल रही है, तैयारी चल रही है और कोशिश डबल है अब, क्योंकि अभी जो नए बच्चे हैं, जो जूनियर की हमारी रेंज आई है, वो काफ़ी फिजिकली फिट हैं, वो लोग फैसिलिटीज़ उनको काफ़ी मिल रही है, तो हमें कम्पीट करने के लिए अब डबल मेहनत करनी पड़ रही है, तो कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस है कि ये हासिल कर पक्का। थैंक यू।